सर आप म्यूट हैं। मैं इतने देर से म्यूट हूँ और पढ़ाया जा रहा हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। क्या किया जाए इसको, मैं क्या करूँ, वीडियो स्टॉप भी नहीं होगा। दोबारा एग्जिट हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़। और साथी आए ही नहीं वो लोग, चलिए पढ़ लेते हैं। क्या किया जाए फिर, चलिए फिर दो तो खान साहब को पढ़ना हम लोग, ठीक। 1917 में इनकी पैदाइश होती है और 2003 में इनकी वफात हो जाती है। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं सिंपल सा कि जो लोग मर रहे हैं ना इस तरह से कि कब किनकी वफात होती है, उसको एक एक जगह याद करने की कोशिश करें। बल्कि मेरे पास एक आध नोट पड़ा भी होगा इस तरह का, जिसमें शुरू से बिल्कुल जो 1900 से पैदाइश के बाद आखिर में सबसे लास्ट में कौन मरा, उस तरह एक ही जगह तस्करा है। तो उन लोगों भी देख लीजिएगा, जैसे कि आपको 2003 में ये मिल गए, 2007 में नजीब महफूज साहब, कितने 2007 में है ना, 2006 में है, 2007 में 2007 में नाजुक मलाइका मिल जाएंगे आपको। और शौकीज़ सर कितने में है, 8 में महमूद तैमूर है। शौकीज़ सर कितने में है, 2005 में है शौकीज़ सर। तो ऐसे ही याद कर लीजिए। चलिए तो देखिए, 1917 में इनकी पैदाइश होती है, 2003 में इनकी वफात हो जाती है। खास बात यह है कि इनकी पैदाइश वफात दोनों जो है वो नाबलस फलस्तीन में, एक ही जगह पर। तो एक ही जगह से याद हो जाएगा आपको। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की, तो एक अलग से फहरिस्त बना सकते हैं आप कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है पूरी ज़िंदगी। तो उनमें से एक नाम इनका भी आ जाएगा, जाहिज़ का नाम आ जाएगा। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शादी नहीं की पूरी ज़िंदगी। मेरे पर रुसाफी भी हैं, जुबरान खलील हाँ जुबरान, भाई, अपान हाफिज इब्राहिम, हाफिज अबुल इब्राहिम किए हैं भाई, हाफिज इब्राहिम की है। मैंने अनमैरिड मलिक है, इब्न जैदून है, हाँ इब्न जैदून है, ठीक। जमील बुसेना है, हाँ जमील जमील ठीक है ठीक, जमील वो सही ना है। चलिए ठीक, तो एक एक जगह करके जमा कर लीजिए इन लोग को, ठीक। तो ये क्या है, नाबलस फलस्तीन में इनकी पैदाइश होती है, 1917 की बात है। और इनका लकब एक तो शायद फलस्तीनिया है, और इनके भाई थे बड़े भाई इब्राहिम तौकान, उन्होंने इनका नाम रखा था उम्मे तमाम। तो एक तो शायरा फलस्तीनी है, एक वो याद हो गया आपको उम्मे तमाम, दूसरा याद हो जाएगा। और तीसरा एक महमूद दरवेश है, कल हम लोग पढ़ेंगे हो सकते हैं। तो इन्होंने इनका नाम रखा था उम्मुश शैल फलस्तीनी, उम्मुश शैरिल फलस्तीनी। तो तीन लकब तो ऐसे याद हो गए आपको यहाँ पर, एक शायरा फलस्तीनी है, दूसरा उम्मे तमाम, तीसरा उम्मुश शैल फलस्तीनी। तीन ये हो गए, एक और लिख लीजिए, खनसा फिल कर्न इशरीन भी कहते हैं इनको, शायद नीचे आ जाए, खनसा फिल कर्न इशरीन, 20वीं सदी के ये खनसा हैं। तो कुल चार हो जाएंगे आपके पास। उलिद अबू मादत फी नाबलस, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, इनकी पैदाइश वफात दोनों नाबलस में है। अबू अब्दुल फत्ताह अगा तौकान व उम्मुह फौजिया अमीन बिक असकलान, इनके दो भाई इब्राहिम तौकान बड़े आदमी हैं, अहमद तौकान वजीर भी रह चुके हैं। बहरहाल इब्राहिम तौकान कभी हो सकता आ जाए, क्योंकि उनकी किताबें वगैरह हैं थोड़े, तो वो बंदा थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है उनको। इनके जो बड़े भाई हैं इब्राहिम तौकान, ये शायर फलस्तीन अल कबीर, फलस्तीन के बड़े शायर माने जाते हैं। मिन अशरत इख्वतिन कानत साबियातन, ये 10 भाई वगैरह होते होंगे, तो ये जो ना फिदवा तौकान जो है ये 7वें नंबर पे आती होगी, ठीक। उनके बारे में याद है आपको, ताहा हुसैन के कितने भाई थे, वो कितने नंबर के हैं, उनके भी बहुत से भाई वगैरह थे, वो पता नहीं 7वें नंबर के हैं भी किसी जगह पर। बहरहाल ये देखिए, जिनसियतुल उर्दुनिया, ये इनके बड़े भाई जो थे, एक एक तो इब्राहिम तौकान, एक अहमद तौकान है ना, तो ये अर्दुन के जो हैं वो रह चुके हैं, शायद मुझे तो किसी ने लिखा रखा प्राइम मिनिस्टर, वैसे यहाँ ऊपर लिखा वजीर, शायद वजीर ही रहे होंगे ये। तो फिदवा तौकान के पास भी जो है अर्दुन की जिनसियत, यानी कि वहाँ की शहरियत हासिल थी इनको, रेसिडेंटल जिसे कहते हैं, तो इनको हासिल थी। تعلق تعليمها المرحلة الابتدائية حيث اعتبرت عائلتها مشاركة المرأة في الحياة العامة أمرا غير مقبول. ये जो इब्तदाई तालीम तो अपने यहाँ पाली होगी, ये लेकिन
इनके जो घर वाले हैं तो वो मुशारकतुल मरा फी हयातिल आम्मा, इनके घर वालों ने जो इनके साथ तो उतना अच्छा से नहीं किया होगा जितना अच्छा से करनी चाहिए। इनके बड़े भाई ने इनको सबसे ज़्यादा, जो इब्राहिम तौकात थे, उन्होंने इनको शेर कहने पर सबसे ज़्यादा आमादा किया। तो इसी वास्ते शायद कह रही है कि मुशारकतुल मराति फिल हयातिल आम्मा अमरन गैर मकबूल। इनके घर वालों को ऐसा लगता था कि आम जिंदगी में औरतें अगर मुशारकत करें तो यह ऐसा अमर है जो मकबूल नहीं है, जैसे कि आज तक हम लोगों के जहन में ये चीज़ें बैठी हुई हैं। तो सिंपल यही है बस थोड़ी सी बात। उसके बाद देखिए, सुमदरस तला यदि इब्राहिम तौकान वो युशद जीवा फी मजाल शेर, ये खास तौर पर ज़हन में रखना है कि इनके जो बड़े भाई हैं वो वही उन्हीं ने ही इनको शेर कहने पर आमादा किया और बहुत ज़्यादा इनको उभारा। और ये याद करना है, इन्ना वक़ात कसाइदु हल उला भी इसम दनानीर इसम जारिया। इनका पहले कसीदे का नाम क्या है? दनानीर नाम है। तो जिनका पहला कसीदा, पहली किताब या इस तरह चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ें याद करने की कोशिश करें हम लोग। इनके पहले कसीदे का नाम क्या है? दनानीर है। ये एक जारिया का नाम है। इन्ना अहब्बत अस्मा हल मुस्तार अल मुतवका तानी इंतसाबा इला आयलती तौकान। ये जो है एक अपना इसका मुस्तार नाम था, उसको मुतवका मुतवका कहती थी और इससे ये इंतसाब करना समझती थी आयला तौकान की जानब, जो तौकान खानदान है उसके लिए मुतवका, यही मतूका जो भी होगा। तो एक मुस्तार नाम है ये, ज़्यादा नहीं है। ये याद करना है हमें, इनके पहले कसीदे का नाम धनानीर, इसको याद कर लीजिए। अमिलत फी मजलती अमला मिरातु शर्क व जरीदा फलस्तीन व रिसाला, बहुत सारे अखबार होंगे जिनमें इन्होंने काम किया है, इन सब अखबार में। इनकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरती है, इन्होंने जिससे मोहब्बत की उनसे शायद इनकी शादी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इनके महबूबा का नाम क्या है? अमिलत वक़्त तवालत नकबात, ये देखिए, फ़ी हयाति फिदवा तौकान बाद मा तूफिया वालिदुहा सुम्मा अखूहा मुअल्लिमुहा इब्राहिम। फिदवा तौकान की ज़िंदगी में नकबात कहते हैं मुसीबतों का पे दर पे हमला हुआ। कब? बाद मा तूफिया वालिदुहा, इनके वालिद की वफ़ात हो गई, फिर इनके भाई की वफ़ात हो गई, फिर इनके मुअल्लिम जो थे इब्राहिम उनकी भी, इनके मुअल्लिम इब्राहिम से मतलब वही इब्राहिम तौकान हैं, उनकी वफ़ात हो जाती है। वाकबदाल के अहतलाल फ़लस्तीन इबान नुकबा 1948, 1948 में फिर फिलिस्तीन वाला कजिया उठ खड़ा हुआ, तो इसकी वजह से भी। वक़्तर का तिलकल मआसी अलमुतलाहिक अथर हलवाज फ़ी नफसियत फिदवा तौकान। और अलमआसी अलमुतलाहिका, ये जो पे दर पे मुसीबतें जो आ रही हैं, इन्होंने एक वाज असर छोड़ दिया, निशान छोड़ दिया फिदवा तौकान पर। कमा यतबयनु मिन शेरिहा फ़ी दीवानी हल अव्वल वहदी मालयाम, जैसे कि ये चीज़ें इनके पहले दीवान जो है उसमें ज़ाहिर है, वहदी मालयाम में। बहरहाल दो चीज़ें याद हो गई, इनका पहला कसायदा दिनार है दनानीर के नाम से, और पहला दीवान जो है वहदी माल अय्याम है, दोनों याद हो गया होगा। बस इतना ही याद करना है, इसमें चार लाइन में इतना ही याद करना है कि पहला दीवान इनका वहदी माल अय्याम है और पहला कसीदा इनका दनानीर है। ये कब की बात है? 1952 की बात है। ठीक, वहदी माल अय्याम जो ये किताब है वो अभी नीचे आ भी जाएगी। तो वफिल वक्त नफ्स ही फ़ैन नदाली का बदफ़ा आफिद व तौक़ान अलमुशारकत हयात सियासी खिलाल खमसिनात में अलक़र्न अलमाज़ी। और उसी वक्त की बात है कि फिदवा तौक़ान को इस चीज़ ने दफ़ा फेंक दिया, किस चीज़ में? कि वो सियासी ज़िंदगी में अब शरीक होने लगे खिलाल खमसिनात में अलक़र्न अलमाज़ी। तकरीबन ये जब 50 साल की उम्र की हुई होंगी तब की बात है। उस वक्त इनको लगा कि अब हमें जानी चाहिए उसमें, सियासत में जानी चाहिए, सर लेनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि फिदवा तौकान जो यहाँ से सफ़र कर जाती हैं इला लंदन, लंदन चली जाती हैं, फिर बिदायत सित्तिनात में अलक़र्न अलमाज़ी, क्या बोलते हैं, छठी दहाई में। वाक़ामत हुनाक सनतैन, वहाँ 2 साल ठहरती हैं। व फ़तहत लहा हादिल इक़ामत व आफ़ाक़न मारफ़ियतन व इंसानियतन, और इस इक़ामत ने, यानी इस ठहरने ने उनके लिए मारफ़ी और इंसानी दोनों तरह के दुनिया खोल देता है। हत्ता हैथु जअलत अला तमासिन मा मुंतज़ात अलहज़ात अलउरूबिय्या अलहदीसा, फिर इनको ये सब चीज़ों को देख लेती है कि औरूबी जो तहजीब व तमद्दुन है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, पर इसमें कुछ भी याद कर नहीं करना हम लोग को। ठीक, वो तो ठीक है, लंदन गई हैं, वहाँ 2 साल ठहरी हैं, ज़्यादा ज़्यादा याद करना तो इतना ही याद करना बस। और ये हम लोग कई बार पढ़े कि नक्शा जो है, नक्शा कल भी पढ़े थे हम लोग, 1967 की बात है, फ़लस्तीन का जो वो लड़ाई हुई है वहाँ पर जिसमें अरब हार गए हैं, तो वही वाली बात है कि वबाद नक्सत हजीज़ान खरजत मिन फौक मिन कौकातिहा लितुशारिक फिल हयात अलआम्मा। कौकातुन क्या माना भाई?
औकानी ये कुछ और होगा, मतलब कि अपनी उससे निकल जाती हैं, ताकि क्या है कि वो आम जिंदगी में शरीक हों लेकिन आबलस में। फदात भी हुजूर मुतमरात व लिकात व नदवात अल्लती कान याकिदुहा शुअरा फलस्तीनियून अलबारिजून। तो फिर ये बहुत से जलसे कॉन्फ्रेंस वगैरह में शिरकत करने लगती है, जिसको बड़े बड़े शुअरा फलस्तीन के उसको मुनाकिद करते थे। अब बड़े बड़े शुअरा में कौन है? महमूद दरवेश, ये तो इसी किताब में है। समी अल कासिम, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, हम लोग को JNU में पूछ दिया था, ठीक। समी अल कासिम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहीं से देख लीजिए, आपको मिल गया तो अच्छा है। बल्कि सभी नाम याद कर लीजिए, महमूद दरवेश फ़लस्तीन के, समी कासिम फ़लस्तीन के, तौफीक ज़ियाद फ़लस्तीन के, सालिम जुबरान फ़लस्तीन के, इमील हबीबी। तो ये चार पांच नाम हैं, इन सबको दो तीन मरतबा देख लीजिएगा, और समी अल कासिम पर कुछ मिल सके तो लिख भी लीजिएगा थोड़ा बहुत, JNU वाले पूछ लेते हैं। तो इसमें कितना याद करना है हम लोग को? 1967 तो याद ही आपको कि वहाँ पर अरब और फिलिस्तीन की लड़ाई हुई, जिसमें अरब हार गए थे, अरे अरब और इसराइल की लड़ाई हुई थी, इसमें अरब हार गए थे। तो और ये याद करना, महमूद दरवेश, समी अल कासिम को ज़रूर से देख लीजिएगा। समी अल कासिम का लकब वकब याद है किसी को आप में से? सर हम लोगों ने तो लिखा था इनके बारे में, हम लोग में आया था ये बंदा, आप लोग नहीं लिखे होंगे अभी। पर एक काम और मैं आप लोग को बताया बताया था कभी, कि JNU के जो प्रीवियस पेपर हैं वो सब पढ़े हुए हैं, ठीक। उन सबको भी सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप UGC नेट वाला पेपर सॉल्व करके जाएं, बस वो पेपर भी सॉल्व कर ही लीजिए, वो सब भी हमारे काम की चीज़ें हैं। पता नहीं अब नहीं मिलेगी वो चीज़ें। JNU DU सबका क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, उसमें हो सकता है कि आपको वो क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन वगैरह फंस जाए। वफी मसाइल सब्त थानी आशर मिन शहर दिसंबर आमद 2003 वद्दअत फिदवत अवकान अद्दुनिया अन उम्र युनाहिज़ सादिसा व समानीन। कितने साल है? सादिसा व समानीन, तकरीबन 86 साल की उम्र में 2003 में चल बसती हैं ये। कज़त था मुनाजरतन बिकलिमातिया व अशारिया फ़ी सबील हुर्रियति फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के आज़ादी में ये अपने वगैरह कहते रहे। बहरहाल ये चीज़ें, इनकी ज़िंदगी का बायोडाटा ख़त्म हो गया, ठीक। अब देखिए असस और राबिता अदबिया, ठीक है, इन्होंने एक राबिता अदबिया की बुनियाद रखी, पर हम लोगों को जो याद करना होता है वही है राबिता कलमिया। और राबिता अदबिया के नाम से एक सवाल ही पूछा था, किसी को याद है आप में से? कभी इस तरह का सवाल आया था ना एक? यार, इसका डेट होगा, क्या इसका डेट। हाँ, शायद कभी इस तरह का एक आध सवाल पूछा था उसने, राबिता अदबिया या इस तरह। इसका ये कब ये एस्टेब्लिश हुआ? इसका शायद ये गया 1905 में था, शायद ऐसे ही कुछ था वहां पे ऑप्शन के लिए। क्या कह रहे हैं आप? जो ना रावी कला अदबी है ना, इसका ये कब एस्टेब्लिश हुआ? शायद इसी का कुछ ये दिया था, दे दिया हाँ था वही शायद कह रहा वहां हूँ, पर। ये पूछा था। 1905 में शायद है, 1905 में है इसका शायद ऑप्शन राइट। ऐसा कुछ मैंने अच्छा देखा, क्लियरिटी याद नहीं है। हाँ, वो मुनज़्ज़मत अल-मरातिल अरबिया एक है, हेड क्वार्टर इसका काहिरा 2000 में उसकी स्टेब्लिश हुई। एक मैं लिख रखा हूँ हिज्ब मिस्र अल-फतात 1933 में होती है। और राबता अल-अदबिया भी पूछा था एक, मैं तो मैं पता नहीं कैसे याद नहीं मुझे अभी। चलिए बहरहाल, फिर अनसा मजल्ला अल-अर्ज़ा, दोनों एक मजल्ला भी कायम किया, लिख लीजिएगा वैसे मजल्ला अर्ज़ा, जिन्होंने भी कायम किया अलग अलग करके। महमूद दरवेश कल आएंगे, उन्होंने मजल्ला करमल बनाया था, मजल्ला करमल उनका अपना था, इनका मजल्ला अर्ज़ा है हमजा से। और किन का था वो मारूफ रसाफी का क्या था, जरीदा अमल नाम करके ना, हमजा से अमल, जिनका जिनका भी है वो लिखते जाइए। एहतम बिशरी हुर मिन अवाइल शुअरा अल्लज़ीन जसदुल अवातिफ फी शेरिहिम, अपने अशार में जज्बात का इजहार करते हैं ये लोग। और 1962 की बात है, इला इंजल्तरा दिरासत अदब इंजलिजी, ये ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए वहाँ गए हैं। 1978 में इनको जायजा जैतूनिया दिया जाता है, और जायजा तो राबत कुत्ताबिल उर्दनीन इनको दिया जाता है। जायजा तो सुल्तान आवीस 89 में दिया जाता है। 1990 में इनको वसाम अल-क़ुदस मिन मुनज़्ज़मत अत-तहरीर फ़लस्तीनिया, ये देख लीजिएगा, ये आप हम लोग के काम का हो सकता है, फ़लस्तीनिया वाला, वसाम अल-क़ुदस मिन मुनज़्ज़मत अत-तहरीर फ़लस्तीनिया। मुनज़्ज़मत अत-तहरीर फ़लस्तीनिया की बुनियाद कब है ये बताइए? तो ये तो बहुत आसान
ये तो याद होनी चाहिए हम लोग को। किसको याद है? मुंजमत तहरीर फलस्तीनी है। शायद 1965 में यार मुनज़्ज़मत ताहिल फलस्तीनी है। हाँ नहीं याद है आप में से किसी को? बहरहाल लेकिन इन चीज़ों को लिखने कभी से कोशिश कीजिए, 10 यूनिट वाला कुछ ना कुछ चीज़ें फंस जाएंगी। ठीक इस तरह से 1965 में है शायद मुनज़्ज़मत ताहिल फलस्तीनी वाला, तो उसको देख लीजिएगा। काफ़ी अद्दौलिया लिशे तो फिर से 2003 में इनकी वफ़ात हो जाती है। अब इनके इनके कब्र पर क्या लिखा है, ये दो शेर कम से कम हम लोग याद कर ले बस, ज़्यादा नहीं। ये ऊपर के दो शेर, कफ़ानी अमूत वालिया वादफुन फ़ीहा व तहत थराह अदूब वाफनी। अब मेरे यही फ़ख्र की बात है कि मैं मेरी यही काफ़ी है कि मैं इसी पर मरा और इसी में मदफून हूँ, और उसी के मिट्टी के नीचे जो है मैं वो हो जाऊँ, घुल मिल जाऊँ, क्या कहते हैं वो, गल जाऊँ, इस तरह से ख़त्म हो जाऊँ, वाफनी ख़त्म हो जाऊँ। तो वो दो मिसरे याद कर लीजिए। रतन इलैहा, कह रहे हैं कि मैं उसी की ज़मीन पर घास बन करके दोबारा उग आऊँ, वाब आसु जहरतन इलैहा, और फूल और इस ज़मीन को फूल दूँ, ताबथु बिहा कफ़ तिफ्लिन नमथु विलादी तुराबन वाशबन व जहरतन। और उस फूल से कौन खेलेगा, कफ़ तिफ्लिन, उस बच्चे की हथेली जिसको मेरे मुल्क ने परवान चढ़ाया, तुराबन वाशबन व जहरतन। बरल ऊपर का दो मिसरा, कफानी अमूत वादफुन वालिया तहत थराह अदूब वाफनी, ये वाला याद कर लीजिए, दो मिसरा बहुत बहुत है। और अभी इनकी किताबें आ रही तो वो याद करनी पड़ेंगी। इनके कुछ और कौल हैं, देखिए, माबई नजौ वबई नजलमत फिल आमाकी तरमीनी अलहीरत फौक अरीशी वल आराकी वल औराकी उक्तुब उक्तुब अशार इहरब मिनहा इलै वाऊद बिरबी मिन। पर इनके अकवाल हैं, देख लीजिए, मुझे भी नहीं समझ में आ रहे क्या कह रहे हैं। माबई नजदौ व बई नजुलमत फिल आमाकी तरमीन हैरत फौक रीशी वल औराकी। ये इनकी पूरी किताबें सामने आ गई, यही है हम लोग को याद करने के लिए। वादी मालयाम पहले पढ़ चुके हम लोग, इनका पहला दीवान है 1952 में, वजदतुहा 1957 में, अमावल बाबिल मुगलक, अलैल वल फुरसान 1969, अलाकीमत दुनिया वहीदा, तमूज़ व शय आखिर अल्लाहुल आखिर। ज़्यादा नहीं है, 7 है, 10 मरतबा तो ही पढ़िएगा तो इंशाल्लाह रट जाएगा। ठीक, वहदी मालयाम वजदतुहा जैसे लिखा है, ले सिक्वेंस वाइज याद कर लीजिए। वहदी मालयाम वजदतुहा, अमाल बाइल मुगलक, अलैल वल फुरसान, और अलाकीमत दुनिया वहीदा, तमूज़ व शय आखिर अल्लाहुल आखिर। अब इनके कुछ नसरी चीज़ें हैं जिसमें इनका जो सीरत ज़ाती है वो याद ही होगा आपको। दो सीरत ज़ाती है इनकी, पहले ये 85 में शाया हुई थी, रिहलतुन जबलिया रिहलतुन साबा के नाम से, और फिर दूसरी शाया हुई अरहलतुल आसाब के नाम से। तो जिनकी भी दीवान है सीरत ज़ाती है सभी को याद करना पड़ेगा, हम लोग को पूछ देता है। इनकी एक किताब है अखी इब्राहिम, तो ये है रिहलतुन जबलिया रिहलतुन साबा, बिल्कुल यूनिक है और इन्हीं का, किसी और का नहीं, तो वैसे भी याद रह जाएगा। ठीक, रिहलतुन जबलिया रिहलतुन साबा और अरहलतुल आसाब। तब इनकी बहुत सारे, ये हम लोग पहले पढ़ चुके, इनको क्या क्या इनामात दिए गए हैं, तो कितना ज़्यादा मत पढ़िए, जो जो अहम है वो देख लीजिए बस। जायज़ ज़ैतूनी अल-क़ज़विनिय फ़ी बहर अबयज़ अल-मुतवस्सित, जायज़ सुल्तान अल-अबी से पहले भी हम लोग विसामुल क़ुदस वाला पढ़े थे हम लोग, मुनज़्ज़मत तहलील फ़लस्तीनिया की तरफ से इनको दिया गया था 1990 में। और जायज़तुल बाबतीन लिलइब्दाई शायरी ये दिया गया था, जायज़तुल बाबतीन, और किन्हीं को भी दिया गया था, क्या याद है किन को दिया गया था? और 1996 में मलाइका नाज़ुकुल मलाइका को नाज़ुकुल मलाइका को 1996 में दिया गया था, यही वाला जायज़तुल बाबतीन लिलइब्दाई शायरी। और जायज़तुल कफ़ाफ़ीश अद्दौलिया शायरी, ये तो दोबारा आ गया ना, जायज़तुल आदाब मुनज़्ज़मत तहरीर फ़लस्तीनिया 1997, दो मरतबा दिया गया वो। फिर विसाम अफजल शायर लिल आलम अरबी मदीनतुल खलील, आलम अरबी के बड़े शायरा होने के नाते भी इनको एक दिया गया
ओ, ये डेट ही नहीं मेंशन किया इस बंदे ने। चलिए अब बारी आप लोगों की है, और बताते जाइए, लिखाते जाइए को नई नई चीजें, क्या क्या पता है। मेरे पास जो कुछ लिखा है बता रहा हूँ। 1917 मार्क इनकी पैदाइश होती है। सत्रह में वो अब्दुल करीम गुलाब की 17 में अब्दुल करीम वल्ला फास मगरिब वाले ना, और कोई हूँ? जी। की पैदाइश भी 1917 अब्दुल दो करीम वल्ला अक्टूबर 1919 में है, 1917 में गुनैमी हलाल है शायद। हाँ सर बोनमी हिलाल की है सर 1917 सर मोहम्मद नाजिम नदवी की 2000 फिर उसके बाद 3 में इसी की है फतवत औकान 4 में अब्दुलरहमान मुनीफ 5 में शोकी जैफ 6 में नजीब महफूज 7 में मलाइका 8 में महमूद दरवेश 9 में अबू मासूम करीमी 10 में गाजी कुतुबुद्दीन उसके बाद 11 से कुछ भी नहीं 17 में यही गुनैमी हलाल मैंने तो वो लिखा था अब्दुल करीम गुलाब लेकिन चेंज किया और 18 में है हना मीना 2018 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा किया। मेरा आप लिखे हैं ये वाला? जी सर अच्छा, और कुछ याद है इनके बारे में? यासिर अरफात ने कहा था इनके बारे में, नाबिलस जीलु नारी, नाबिलस अशुहदा, नाबिलस फिदवा तौकान। नाबिलस के रहने वाले हैं, यासिर अरफात ने कहा था, नाबिलस जीलु नार और नाबिलस अशुहदा, नाबिलस फिदवा तौकान। इन सब के बारे में अभी सवाल ज्यादा नहीं पूछ रहा, लेकिन एक एक करके डाल देता है सवाल किसी से भी एक इनका आ ये जाए। कसीदा हाजल कव कबुल आरजी इनका कसीदा है एक कसीदा है, आदल कौ कबूल अर्जी, लिख लीजिए आदल कौ मैं कबूल। हदिया किया था हयात अल हवेली है दोस्त का नाम अच्छा, इनके कुल 7 दीवान है ना? जी लिख लीजिए एक जगह पर, किनके किनके 7 दीवान, 8 दीवान, काम देगा कभी। एक रजूउन इलल बहरी कसीदा है ये भी अच्छा, लब्बा रिजाउन ला तम्मत 3 ही कसीदे हाजल कौ कबुल आरजी रिजाउन ला तम्मत रजू इलल बहरी या अन अकेडमी वाला हम लोगों को अगर सेकंड पेपर भी दे देता तो बहुत से बच्चे उनका वो ले लेते ना फर्स्ट पेपर के लिए, तो पैसा ज्यादा पड़ता आदमी का और चीजें मिल जाती दोनों, वो देते ही नहीं। वहाँ फर्स्ट पेपर पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे हैं, और हम लोग अरबी वाले हार जाते हैं फर्स्ट पेपर की वजह से। और कुछ याद है किसी को? सर इसका जो भाई है इब्राहिम तूफान उसका लकब है ना सर शायरुल जमाती क्या लकब है? शायरुल जमाती सर पता है मुन्ना फाखोर ने इब्राहिम तौफान का तस्करा था, पर ऐसा नहीं, फिदका तो फिदवा तौफान का नहीं था, मैं देख रहा था क्या आज। सर हन्ना फाखोरी में उसका है तस्करा इब्राहिम तौकान का, तो वहाँ मिल जाएगा अगर कुछ हाँ सर होगा तो। मैं पता वही बोल रहा हूँ सर इसका भाई का लकब है ना सर वो नहीं, मुझे नहीं पता, आप लिखे होंगे तो होगा, क्या ही सोचे। ठीक, हाँ सर मेरे पास लिखा हुआ है
और कोई कुछ बताएंगे आप में से? सवाल क्या है, क्या सवाल है सभी ने? अच्छा, आज आप लोगों को पता, तलवीर सर शायद आज या कल से क्लास लॉन्च किए हैं 4 साढ़े 4 बजे बीच बीच में। वो पूरा जो इस साल का जो PYQs है वो पूरा करा देंगे आप लोग को, तो ज़रूर से जा करके कोशिश कीजिएगा, ठीक। चाहे आप वीक हो या कुछ भी हो, उनसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर DI वगैरह आपको नहीं आते ना, तो उनके पास DI के समझाने का बहुत आसान तरीका है। कौन सर, कौन से सर? तलवीर सर, अनअकैडमी पे जा करके तलवीर सर को फॉलो कीजिएगा, उनको पढ़ाने का बहुत अच्छा अच्छा तरीका है। तो वो कल से ना वो PYQs करा देंगे आपको पूरा। तो उन्होंने दावत वादा यही किया, 35 का 35 करा देंगे। तो 35 ना कराए तो भी जितना करा दें वो भी बहुत है उनके लिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह। सर, कितने बजे टाइमिंग? शायद 4 या 4:30 बजे जाकर यूट्यूब पे उनको देखिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा तलवीर सिंह, तो आ जाएगा। कॉमर्स नेट ओके सर, अचीवर्स उनके चैनल का नाम है। चलिए, बहरहाल तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, इंशाल्लाह जितना आप लोग दे रहे हैं इंशाल्लाह ज़रूर आप सबको तैयार होगा। बस ये कि छोड़ना नहीं किसी कीमत पर, लगे रहना है बस, ठीक। फिर कल पढ़ते हैं इंशाल्लाह। बलागा में मिलिए अभी 5 बजे सर। शफीली मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, पूरा कोर्स फ्री में उनको पढ़ाई थी। सर गुनोमी कौन हिमाचल कौन जो है, 1998 है ना, डेथ, क्या कह रहे हैं? ये बोला था ना किसी ने कि गुनोमी हिलाल की है 17 में, गुनोमी हिलाल की तो 1968 में है, ये नक्त वाले ही है ना गुनोमी हिलाल की। उनकी पैदाइश बता रहा था, पैदाइश कितने में देखी? तो 1917 में है, तो मैंने बोला था 2007 में है अब्दुल करीम, 2017 में अब्दुल करीम गुलाब की। ओहो, अच्छा वो ये हो गया होगा कि हमने समझ लिया आप पैदाइश बता रहे हैं, और हम 2017 में तो ठीक ही तो बता रहे थे, अब्दुल करीम वल्लभ की वफ़ात है। ठीक जी, है, मैंने पूछा था 1917 में पैदाइश किन की, ये पूछा था ना मैं, ये पूछा था 1917 में आप पैदाइश किन की। चलिए, तो 1917 में उनकी है, एक तो इनकी फिदवत अफगान की हो गई और एक उनकी हो गई उन्हें मिलाड़ की। ठीक है, आगे जाइए। ये शफाली कौन है सभी ना, कहाँ पढ़ाते हैं ये? पूरा कोर्स आप लोग को फ्री में पढ़ाए थे? चलिए ठीक, आमदा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। फिर मिलिए 5 बजे अभी यहाँ, एक आध पढ़ लेंगे बलागा, ज़्यादा नहीं, एक दो करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह जल्दी जल्दी। अच्छा से, सलाम वालेकुम।